सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है। चलिए तो फिर आज बनाते हैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली थी 2 किलो गाजर। गाजर को मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। छील कर धोकर मैंने इसको कर लिया है कद्दूकस। अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया था पैन और पैन में डाला है मैंने 150 से 200 ग्राम देसी घी। घी को कर लिया था गरम और गरम हो जाने पर मैंने इसमें चढ़ा दी थी गाजर। गाजर चढ़ाने के बाद मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए देसी घी में भून लिया था और भूनकर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। और बीच बीच में हम इसको 1 से 2 बार चला देंगे ताकि हमारा हलवा तले पर ना चिपक जाए। हलवे को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाने के बाद मैं इसे भून लूँगी ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है लगभग 1 किलो फुल क्रीम दूध। दूध डालने के बाद अब हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि हमारा दूध हलवे में अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। जैसे जैसे दूध हमारा हलवे में गाढ़ा होता जाएगा हमारा हलवा एकदम दानेदार टेक्सचर में आता जाएगा। अच्छी तरह दूध में इसको पकाने के बाद जैसे ही दूध इसका सूख जाएगा मैं इसको एक बार अच्छी तरह से फ्राई और कर लूँगी। इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें बारी आती है मीठा मिलाने की। तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पर ली थी 150 से 200 ग्राम चीनी और चीनी को भी मैंने अच्छी तरह से इसमें पका लिया था हलवे के साथ। चीनी ने पानी छोड़ा था इसलिए हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चीनी का पानी अच्छी तरह से सारा नहीं सूख जाता है। अच्छी तरह से पानी सूख जाने के बाद एक बार और फ्राई कर लेंगे और इसको सजा देंगे अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने के लिए होता है एकदम तैयार। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छी सी नई एक और रेसिपी पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।